नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार यूपी पुलिस अब ऑपरेशन क्लीन चलाने के मूड में दिखाई दे रही है। तभी लगातार पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसकी ताजा वानगी आगरा, वाराणसी और बागपत में देखने को मिली। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा अलग अलग जिलों में अपराधियों की धरपकड़ के लिए और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। पहली तस्वीर आगरा से है। यहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश विनोद पहलवान को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया बदमाश अलीगढ़ से 50,000 का और राजस्थान से 10,000 का इनामी अपराधी घोषित है। इस अभियान में एसपी सिटी रोहन बोत्रे, इंस्पेक्टर सिकंदरा कमलेश सिंह, इंस्पेक्टर हरि पर्वत अरविंद कुमार, इंस्पेक्टर सदर अजय कौशल, सर्विलांस प्रभारी नरेंद्र कुमार समेत कई पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ के दौरान मौजूद रहे। वहीं हम दूसरी तस्वीर की बात करते हैं जो वाराणसी की है। पिछले कुछ दिनों से सिरदर्द बने प्रयागराज के दो वांछित लुटेरे एसओजी और कमिश्नरेट पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के निर्देश पर वाराणसी पुलिस द्वारा इन दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। पकड़े गए दोनों आरोपियों का नाम संतोष और पवन बताया जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों घायल भी हुए हैं। वहीं तीसरी तस्वीर बागपत जिले से है, जहां पुलिस अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है। पिछले 24 घंटे में अपराधियों के साथ तेड़ा चौकी के पास हुई दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी इनामी अपराधी घोषित हो गए हैं। तो आगरा वाराणसी में किस कदर ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है, इसकी वानगी करती हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो आगरा, वाराणसी और बागपत की हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ में कई इनामी बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया। योगी सरकार की नो टॉलरेंस नीति एक बार फिर लग रहा है पुलिस के सर चढ़ के बोल रही है, जिसके चलते ही पुलिस वाले अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं कि अब नो टॉलरेंस के तहत ही वो एनकाउंटर करके अपराधियों में खौफ एक बार फिर से जमाएंगे। जिस तरह से अपराध एक बार फिर से बढ़ने लग गया था, लॉकडाउन खुला उसके बाद लगातार वारदातें सामने आने लगी, अपराधी प्रगति के जो लोग हैं वो फिर से एक बार उसी के साथ अपराध करने लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने इन तमाम एनकाउंटर से एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यूपी में अपराध नहीं चलेगा। तो आगरा, वाराणसी और बागपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आगरा, वाराणसी और बागपत की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ऑपरेशन क्लीन चिट फिर चलाया गया है। बता दें कि अभी तक कुल 117 विकास दुबे बड़ा एनकाउंटर आपको याद ही होगा, उसको मिला के कुल 117 एनकाउंटर पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। तो यूपी में 2017 में जब योगी सरकार बनी थी, तब से ही यूपी में अपराध मुक्त की बात की जा रही थी। हालांकि ये आपराधिक जो कृत्य हैं वो अभी भी कम नहीं हुए हैं, लगातार ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन जिसमें ये साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश अभी अपराध मुक्त नहीं हुआ है। लेकिन एक बार फिर चुनाव करीब है और चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए अगर इसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं चुनाव में किस तरह से कोई कमी ना रह जाए उसको लेकर भी ये नया ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम इनामी बदमाशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बागपत से आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पुलिस अपराधियों पर लगातार नकेल कसने के चलते 24 घंटे में अपराधियों के साथ तेड़ा चौकी के पास दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने दो आरोपियों को बागपत में ढेर कर दिया। वहीं अगर हम बात करें प्रयागराज में, वाराणसी की, जहां पर प्रयागराज के जो दो वांछित लुटेरे एसओजी और कमिश्नरेट पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सतीश गणेश के निर्देश पर वाराणसी पुलिस द्वारा इन दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। पकड़े गए दोनों आरोपियों का नाम संतोष और पवन बताया जा रहा है।
वहीं आगरा की पहली तस्वीर आपको दिखाई थी जहां पर किस तरह से 50,000 का इनामी और राजस्थान में 10,000 का इनामी घोषित, अलीगढ़ में 50 का था और राजस्थान में 10,000 का इनामी घोषित था। इस अभियान में कई एसपी सिटी इंस्पेक्टर सिकंदरा, इंस्पेक्टर हरिपर्वत, इंस्पेक्टर सदर और सर्विलांस प्रभारी नरेंद्र कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इन दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया गया। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर गांव-गांव में एनकाउंटर अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि बिक्रू कांड आपको पता ही होगा, जिसमें विकास दुबे का जब एनकाउंटर करने पहुंचे थे तो वहां पर सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयानों में इस तेवर को साफ तौर पर ये बयान करते रहते हैं। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से ये स्पष्ट पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की प्रजाति को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि अपराधी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको लेकर ही एनकाउंटर एक बार फिर से सामने आए हैं। इस पर चर्चा को आगाज देते हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, आप लगातार ऐसी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं जहां पर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए लगातार 117 एनकाउंटर विकास दुबे को मिला के अभी तक हो चुके हैं, तो क्या लग रहा है ये जो ऑपरेशन क्लीन है इसके तहत किस तरह की अभी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, 2 साल बाद ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना काल था और इसी के चलते शायद बदमाशों की धरपकड़ थी वो बहुत ज्यादा तेज नहीं हो पाती थी। जो ऑपरेशन क्लीन में जो मुठभेड़ का दौर देखते हैं, जो एनकाउंटर का दौर देखते हैं, वो अभी पिछले 2 साल से देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन बीती रात में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, चाहे वो आगरा की बात कर ले, वाराणसी की बात कर ले या बागपत की बात कर ले, इन तीनों शहरों में जो मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ बदमाशों की, अब ये कहा जाएगा कि ऑपरेशन क्लीन का दौर एक बार फिर चालू हो गया है। आगरा के अंदर जो मुठभेड़ हुई, विनोद पहलवान एक जो बड़ा अपराधी है, हत्या, लूट और डकैती के कई मुकदमे न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि मूल निवास उसके राजस्थान में भी दर्ज है। विनोद पहलवान के ऊपर 60,000 रुपए का इनाम है, 50,000 अलीगढ़ से और 10,000 राजस्थान से। ऐसे में उसका पकड़ा जाना आगरा के अंदर एक बड़ी सफलता पुलिस को है, क्योंकि राजस्थान का मूल निवासी है, बड़ा डकैत है। आगरा के अंदर वो किस तरीके की हरकतें कर रहा था, उसके साथ कौन कौन था और किस तरीके की प्लानिंग आगरा के अंदर हो रही थी, ये पुलिस अपने के रिमांड पर पुलिस के अफसर पूछेंगे और एक बड़े गैंग का खुलासा भी आगे कर सकते हैं। वाराणसी के अंदर जो अभी हाल ही में कमिश्नरेट बना है, वहां पर दो एक बड़े अपराधी लुटेरे पकड़े गए हैं, क्योंकि वेणुपुर सर्किल में वाराणसी के अंदर पिछले कई दिनों से ऐसी की घटनाएं हो रही थी। जिन दो लोगों को पकड़ा गया, संतोष रावत और पवन, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं और संतोष के ऊपर प्रयागराज के अंदर 42 अपराधी मुकदमे दर्ज है। ऐसे में इन दोनों के भी पैर में गोली लगी है जब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। और तीसरा बागपत के अंदर बीते बुधवार को एक किसान की हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम इलम सिंह था और उसकी हत्या में वांछित 3 अपराधी लगातार पुलिस उनको ट्रैक कर रही थी और पुलिस को सर्वेलेंस के द्वारा एक सूचना मिली कि उस हत्या में वांछित जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए एक भारी पुलिस फोर्स की जरूरत है, क्योंकि उनके पास असलाहे होने की भी आशंका है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बबलू और एक शख्स और है, और उनका एक तीसरा साथी जो फरकान है वो भागने में कामयाब रहा था। हालांकि इस बागपत की मुठभेड़ में भी इन दोनों के पैर में गोली लगी है। तो कहा जाएगा कि 5 अपराधी बीती रात में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पकड़े गए हैं, सभी का आपराधिक इतिहास है और जिसका आपराधिक इतिहास नहीं है वो किसी ना किसी बड़ी घटना में वांछित था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन एक बार फिर देखने को मिला और ये कहा जा सकता है ये तो अभी आगाज है, अंजाम अब लगता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा एक अहम मुद्दा होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम अपराधी हैं, जो आपराधिक घटनाओं को कर चुके हैं या मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, उनका ऑपरेशन क्लीन में नाम जल्दी आ सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसर ये चाहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पिछले दिनों जो बदमाशों के अंदर जो खौफ आया हुआ था वो एक बार फिर से उनके अंदर पनपे, ताकि अगर जो आपराधिक घटनाएं अनलॉक के दौर में बढ़ी हैं, जो लॉकडाउन के दौर के बाद बढ़ी है, उसमें फिर कहीं ना कहीं कमी आ सके। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने में क्राइम ब्रांच से लेकर सर्विलांस और फोरेंसिक के साथ लेकर डॉग स्क्वाड
तक के जो तमाम तकनीकी सेवाएं देखी जाती है, उसके बाद एक एनकाउंटर का जो चेहरा है उत्तर प्रदेश पुलिस का वो फिर सामने देखने को आया। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं शिवम ने ये भी देखा है कि इस एनकाउंटर में कई फर्जी एनकाउंटर के भी कई बार आरोप पुलिस वालों पर लगते रहे, लेकिन इस वक्त चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार बाइट पर हमारी नजर डालते तो आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस अपराधी का नाम विनोद पहलवान करके बताया है, जो कि कई राज्यों से इनामी अपराधी है। राजस्थान और अलीगढ़ से भी इसके ऊपर इनाम है। कई मुकदमे में ये वांछित है। इसकी अली सिकंदरा में होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। कोई घटना को कारित करने के लिए जा रहा है, इस तरीके की घटना, इस तरीके की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पे पुलिस बल, एसओजी की टीम, थाना अध्यक्ष नसिकंदरा, थाना अध्यक्ष हरि प्रवर इत्यादि सभी मौके पे मौजूद थे। इसको रोकने की पुलिस ने कोशिश की, वार्निंग दी गई, पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी कार्रवाई में इस अपराधी को गोली लगी है। प्राथमिक उपचार हेतु इसको एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जनपद वाराणसी के भेलूपुर सर्किल में विगत कुछ दिनों से लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, जिसमें विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस, स्वॉट और साथ में स्थानीय पुलिस के जो सुरागदस हमारे पुलिसकर्मी थे उनको लगाया गया था। आज एक स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि ये जो गैंग है, ये गैंग आज सी गोवर्धनपुर क्षेत्र में, जो कि थाना लंका का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे शाम के वक्त इसी प्रकार की कोई लूटपाट की घटना करेंगे। इस सूचना पर हमारी कई टीमें सादे में लगी हुई थी। अचानक पुलिस को देख के दो बाइक सवार जो लुटेरे थे वो यू टर्न लेके भागते हैं। पुलिस उनको चैलेंज करती है, उनके पीछे जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वो पुलिस पर फायर करना शुरू करते हैं, जिसके जवाबी फायरिंग में ये दो बदमाश, पुलिस के द्वारा जो जवाबी फायरिंग की गई है उसमें दो बदमाशों को गोली लगी है। उनका इलाज जो है चिकित्सालय में कराया जा रहा है। पूछताछ से ये बात निकल के आई है कि ये दोनों बदमाश, जिसमें एक का नाम संतोष रावत है और दूसरे का नाम पवन कुमार है, ये दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। एक थाना धूमनगंज क्षेत्र का है, दूसरा थाना कैंट क्षेत्र का है। इसमें से जो संतोष रावत है उसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके ऊपर दर्जनों लूट के मुकदमे हैं और अभी हाल में ही वो प्रयागराज जेल से छूट के आया है। बाकी जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और जो हमारी पुलिस पार्टी है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनको उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरी ओर से जो उचित पुरस्कार है वो उनको दिया जा रहा है। आज सिंगावली पुलिस द्वारा टेढ़ा चौकी पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर तीन संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, उन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायर किया। फायर करने के बाद वो भागने लगे, पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान टेढ़ा गांव की तरफ ये लोग भागे हैं। टेढ़ा गांव के पास पुलिस पार्टी से फिर से मुठभेड़ हुई है। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया, जिसमें दो व्यक्ति घायल हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम सीताराम है, दूसरे व्यक्ति का नाम बबलू है और एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा है, जिसका नाम फुरकान है। ये दोनों घायल व्यक्ति तितरौंदा के रहने वाले हैं। इनके पास से 37,000 रुपये और दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस, जो दो खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनके द्वारा कल तितरौंदा गाँव में एक घटना कारित की गई थी, जिसमें घर में घुसकर इनके द्वारा इलम सिंह की हत्या की गई थी और चोरी की गई थी। चोरी का कुछ सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। इनको पुलिस द्वारा उपचार के लिए भेज दिया गया है, विधिक कार्रवाई की। तो वहीं आपने सुने बयान ये तमाम अधिकारियों के, जिस तरह से आगरा, वाराणसी और बागपत में जो मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच, किस तरह से एनकाउंटर किए गए और किस तरह से अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं इस पर इस वक्त हमारे साथ आगरा से संवाददाता ममता भी जुड़ चुकी हैं, तो ममता पर मैं जाना चाहूंगी। ममता, आपको क्या लगता है आगरा में किस तरह से पुलिस अभियान चला रही है और क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस द्वारा बदमाशों की धरपकड़ के लिए?
जी बिल्कुल, मैं कीर्ति में आपको बता दूं कि आगरा आईजी के द्वारा प्रहार चलाया गया, जिसके तहत आगरा के आईजी ने अपने जोन में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी चारों जिलों के अंदर ये आगरा का प्रहार ऑपरेशन प्रहार जो आगरा में चलाया था, जिसके तहत उन्होंने माफियाओं पर कार्रवाई की और वही जो भूमि माफिया थे उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया गया। और इसी के तहत जो जो अपराधी थे जिन पर गैंगस्टर की कार्रवाई करनी थी उनको गैंगस्टर की कार्रवाई की, और जो गैंगस्टर पहले से थे उन पर उनकी संपत्तियों को जब्त करने के बाद उन पर आगे की विधिक कार्रवाई की गई। इसी के चलते आपको आज बता दूं कि आज रात को एक अपराधी जो कि अंतर्राज्यीय अपराधी था, जिसपे की 50,000 का इनाम था, अलीगढ़ में उसके ऊपर अलग था इस तरह से, तो इस तरह के जो बराबर लगातार यहाँ आगरा पुलिस के द्वारा इस तरह के अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं अपराधी की स्थिति, अगर हम नजर डालें आपराधिक स्थिति किस तरह की है आगरा में इस वक्त। जी बिल्कुल, आपराधिक स्थिति जिस तरह से आगरा में जो बढ़ते आपराधिक स्थिति जो देखी जा रही थी पहले, वो कहीं ना कहीं अब देखा जाए कि कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। अपराधी अपने जो जहाँ भी है अपने अपने जो जिस तरह से अपराधी अपराध करते थे उस तरह से वो अपने अंडर कस्टडी हो चुके हैं, और इसके बाद में अपराधी अपने आप को डरा सहमा महसूस कर रहे हैं, कि क्योंकि आईजी जो नवीन अरोरा जी हैं उनकी जो ऑपरेशन प्रहार है उसके संदर्भ में जो आगरा पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं अपराधियों में एक भय का माहौल है। शिवा, अगर हम बात करें, कमिश्नर प्रणाली भी लागू है उत्तर प्रदेश में भी, वाराणसी में भी, तो लगातार लेकिन उसके बावजूद भी जो खबरें आ रही थी, कई ज्यादा आपराधिक खबरें कई ज्यादा सामने आ रही थी, स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश तो नहीं दिख रहा था और अपराध की ओर ही बढ़ रहा था, तो क्या उसी को लेकर ये जो ऑपरेशन क्लीन जो चुनाव से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चुनाव को भी इसको जोड़कर अगर हम देखें तो चुनाव में भी 6 महीने रह गए, तो ये जरूरी भी हो जाता है कि जो वादे किए हैं उसको एक बार जनता के सामने रखना भी जरूरी हो जाता है। देखिए कीर्ति, वैसे ही मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और तमाम विरोधी पार्टियां कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए सदन के अंदर हंगामा करती हैं, इसलिए क्राइम ग्राफ को घटाना और अपराधियों में खौफ पैदा करना ये हर सरकार की प्राथमिकता होती है, और चुनाव से पहले इसको बहुत गर्म किया जाता है, और शायद इसीलिए ऑपरेशन चेन को चुनाव से ठीक 7 महीने या 6 महीने पहले शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि एक बार फिर ऑपरेशन चेरी चला करके उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले जो अपराधी में खौफ है उसको पैदा किया जाए, ताकि जो आपराधिक घटनाएं लॉकडाउन के बाद से जो बढ़ी है उसमें पहली बात तो कमी आ सके, और जब चुनाव व्यवस्था जब सदन के अंदर इस तरीके का हंगामा होगा कि विरोधी पार्टियां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाएंगी, तब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो इस ऑपरेशन क्लीन के जरिए उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करेंगे। तो यही बात है कि ऑपरेशन क्लीन एक बार इसीलिए शुरू किया गया है ताकि चुनाव का भी वक्त है और उत्तर प्रदेश में जो तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें कमी लाने के लिए, अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए ये तमाम सारे मुद्दे हैं, शायद इसीलिए ऑपरेशन क्लीन को फिर से शुरू किया गया है। आने वाले समय में अब ऑपरेशन क्लीन कितना ऊपर जाता है और कितने बड़े अपराधी, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से विपक्ष की भी बात करी आपने कि कहीं ना कहीं इस पे घेरता रहा है कि फर्जी एनकाउंटर भी होते हैं, तो क्या लगता है? और दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अपराधियों के ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस में और कहीं ना कहीं अधिकारियों में, माफ कीजिएगा, अधिकारियों में और सरकार में जो असमंजस की स्थिति भी हमने लगातार देखी है उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर भी कई तबादले भी किए गए हैं। देखिए, जिसका फीडबैक बहुत खराब मिला या कानून व्यवस्था को चलाने में वो बेहतर नहीं रहा उसका मुख्यमंत्री ने खुद तबादला किया है। बीते कुछ समय में जो जिलों के कप्तान बदले गए उनका फीडबैक जनता के प्रति और जो क्राइम ग्राफ था उसको घटाने के लिए बहुत ज्यादा सही अधिकारियों ने नहीं दिया था, जिसके बाद उनके तबादले कर दिए। बात दूसरी की फेक एनकाउंटर की, फेक एनकाउंटर होता है तो उसके बाद मिनिस्ट्रियल जांच होती है, न्यायिक जांच होती है, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो अधिकारी उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं, और उसमें ना सिर्फ एक्शन लिया जाता है शासन स्तर पर बल्कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा भी चलता है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक फेक एनकाउंटर की जो एक थ्योरी है वो उत्तर प्रदेश में बहुत बार देखने को मिलती है। हाँ, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या मुख्यमंत्री के सामने बहुत अच्छा बनने के लिए या उस जिले में क्राइम रेट में बहुत गिरावट दिखाने के लिए अगर ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ भी कहीं कार्रवाई आगे जाके समय में होती है, लेकिन ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं एक
एग्जाम्पल सेटअप किया जाता है अपराधियों के अंदर, एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है उन लोगों के ऊपर जो आपराधिक घटनाक्रम की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर किसी भी जिले में आप क्राइम करने जाएंगे और पकड़े जाने पर इस तरीके का आपका हाल होगा तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर एक खौफ रहता है और शायद उत्तर प्रदेश सरकार इसी बात को लेकर जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से भयमुक्त उत्तर प्रदेश नजर आ रहा था उसमें अब भय की स्थिति बनाना जरूरी हो गया है। ममता, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार हमने एसपी सिटी की भी बात सुनी आगरा की, कि उन्होंने बताया कि लगातार इस तरह के अभियान आगे भी चलाते रहेंगे, तो क्या सर्विलांस टीम वहां पर जो गठित की गई है और किस स्तर पर जाकर पुलिस अपनी कार्रवाई जो है बदमाशों को पकड़ने के लिए वो कर रही है? प्रहार करके जो इन्होंने पिछले महीने से एक महीने से लगातार जो ऑपरेशन प्रहार का जो काम किया है, जिस पर उनको उन्होंने लगातार जो कार्रवाई की है जो गुंडा एक्ट, अब मैं आपको बता दूं 61 लोगों के ऊपर यहाँ इन्होंने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है, वही 58 अपराधियों को इन्होंने 58 अपराधियों का इन्होंने इनाम घोषित किया था। तो इस तरह की बराबर जो कार्रवाई इस तरह से पुलिस कर रही है तो कहीं ना कहीं ये अपराध को अपराध मुक्त करने के लिए कर रही है, और ऐसा पुलिस के द्वारा लगातार करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह अपराधी इतने अपराध कर रहे थे पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, जिस तरह की विकास दुबे जैसे बदमाशों के द्वारा जो इतना बड़ा कांड किया गया, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर एक भय का माहौल पुलिस के द्वारा बनाना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक अपराधियों के अंदर एक भय नहीं होगा तो तब तक जनता अपने सेफ और सिक्योर नहीं हो पाएगी। तो जिस तरह की कार्रवाई है एसपी सिटी के द्वारा जो बयान दिया गया है, जो व्हाइट में कहा गया है, तो वो बिल्कुल सही बात है कि इस तरह उनका बराबर ऑपरेशन आगे और भी चलता रहेगा, जिससे कि ये भय मुक्त आगरा बनेगा, एक अपराधी मुक्त आगरा बनेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ममता और शिवा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार हमने रिपोर्ट दिखाई जिस तरह से आगरा, वाराणसी और बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, और लगातार पुलिस अब जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। यूपी पुलिस ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और अपराधियों में भय कायम करना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार अनलॉक के बाद से जो आपराधिक मामले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कहीं रेप की घटनाएं, वारदातें, चेन स्नैचिंग की वारदातें, इस तरह की वारदातें कई ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको लेकर ये जरूरी हो गया था कि एक बार फिर से पुलिस की जो कार्रवाई है वो शुरू हो और ताबड़तोड़ इस तरह से नकेल कसी जाए बदमाशों के ऊपर। तो हमने आपको ये एक पूरी रिपोर्ट दिखाई जिसमें वाराणसी, आगरा और बागपत में किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, इसकी वानगी करती हुई आपने ये रिपोर्ट देखी। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।